नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश है और आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपने बहुत सारे रेडियो देखे होंगे जिसमें स्पीकर को फिल्टर करने के लिए एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है जिसका नंबर 470 UF 10 वोल्ट होता है और 6.3 वोल्ट का भी लगाया रहता है। तो बहुत सारे रेडियो में हमने देखा कि कैपेसिटर का लगाना एकदम अनिवार्य है, क्योंकि बिना कैपेसिटर का यहाँ पे फिल्टर नहीं होगा, जिस कारण से स्पीकर में साउंड नहीं आएगी। आप उसको डायरेक्टली जोड़ देते हैं तो साउंड आएगा ही नहीं, सिर्फ गुमक की आवाज़ रहेगी। आगे चल के मैं वीडियो में बताऊँगा कि और उसको प्रैक्टिकल भी करके आपको किसी रेडियो में दिखला दूंगा आगे चल के वीडियो में। लेकिन इसमें जो मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें तभी आपको समझ में आएगा। ये ओनली 820 नंबर की इसमें IC का प्रयोग किया गया है जो कि ये फिलिप्स ब्रांड का है। तो आप देखें यहाँ पे इसका नंबर 820 है और यहाँ पे जो आप दो रेजिस्टेंस देख रहे हैं, यही इसका फिल्टर का काम करता है। तो आपको मैं दिखा दूँ कि ये दोनों प्लस और माइनस, ये प्लस और ये माइनस बैटरी की है और ये दोनों जो है स्पीकर के लिए है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीकर ओनली इसके लिए है। तो इसका ट्रैक आप देखें तो इस साइड का देखें तो यहाँ से होते हुए यहाँ आई है, यहाँ से फिर यहाँ होते हुए इसकी इस पिन पे यहाँ से 4 और यहाँ पे 4 आपको मैं दिखा दूँ, ये 8 पिन की IC है। तो यहाँ पे इसकी ट्रैक जो है एक यहाँ से यहाँ होते हुए यहाँ पर आई हुई है और दूसरी की यहाँ से होते हुए यहाँ पर आई हुई है, यानी इस पिन से और इस पिन से इसका स्पीकर का जो है पॉइंट बना हुआ है। आप कोई सा भी जोड़ सकते हैं, इसमें प्लस माइनस की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सा भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से होते रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ पर आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगी हुई है। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे कैपेसिटर का प्रयोग नहीं किया गया है इस नंबर IC में, 820 नंबर की है। तो ये रेजिस्टेंस ही इसका फिल्टर का काम कर रहा है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में भी बजते हैं। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी था जो कि बहुत कम रेडियो में ऐसा देखने को आपको मिलेगा। लगभग 90% रेडियो में जो है आपको जो है सो फिल्टर लगे हुए रहते हैं। तो इसी तरह का वीडियो और कोई भी आपको अगर दिक्कत हो तो मुझे सीधा ही कॉमेंट करें, मैं उस पर वीडियो आपको अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पर बना के।